कर रहे हो, जल्दी जाओ एन। So alright guys, what's up people, it's your boy Sandy here. Welcome back again with another vlog. So guys, आज का vlog कुछ unique होने वाला है, क्योंकि आज का vlog photography के ऊपर है and मैं specially photographer हूँ. So मैं बताता हूँ अभी आपको किन लोगों का photoshoot करने वाला हूँ. So let's check कि क्या होने वाला है और क्या नहीं. So let's check and go. Guys, finally मेरे को इन लोगों का photoshoot करना है आज and हम लोग गोरेगांव में आरे कॉलोनी जा रहे हैं photoshoot करने के लिए. So इन लोग चारों मिल के लेट आए और अभी देख सकते हो ये दोनों खाने में बहुत बिजी है, खाने में बहुत बिजी है. और ये हमारी VIP है सबसे बड़ी एंड दिस वन इज अ, लेट्स सी. सो जाते हैं अभी लोकेशन पे, मिलते हैं डायरेक्टली. सो वही. सो ऑलराइट गाइस, वी आर ऑन ऑटो राइट नाउ एंड दिस इज एंड ट्विन जिसका मुझे शूट कर रहे हैं एंड ये रहा कैमरा सोनी 5BX जो बेस्ट कैमरा है पोर्टफोलियो शूट के लिए. तो मैं आज के दिन मैं शूट के बारे में टिप्स भी दूंगा क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ अपने थ्रू. सो इन लोगों का शूट भी करूँगा एंड कुछ फ़ोटो शेयर भी करूँगा एंड कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपको सब फोटोज़ के बारे में पता चले. सो और इसका खुद का चैनल भी है कैंडिड क्वीन करके मैं एंड इंस्टाग्राम की लिंक एंड यूट्यूब की लिंक दोनों में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो जाओ जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड फैमिली ग्रो करो. बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे एंड कंटिन्यूस. हम लोग ने अभी फैसला किया है कि हम लोग रेगुलर व्लॉग्स लाएंगे, दोनों साथ में करेंगे. सो वही. सो जल्दी जाओ करो एंड ऑटो बहुत शेक हो रहा है, उसके वजह से स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो उसके लिए और मेरे बाल भी बहुत खराब हो गए. सो जाते हैं लोकेशन पे, मिलते हैं डायरेक्टली एंड फिलहाल हम लोग आरे कॉलोनी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गार्डन लुक्स बहुत है, गार्डन एरिया बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं. सो लेट्स गो एंड चेक. फाइनली वी आर ऑन द लोकेशन, हम लोग यहाँ पे आए. सब लोग जानते ही है लोकेशन तो, बट पोर्टफोलियो शूट्स के लिए बेस्ट है. तो इन सबको अपना शूट्स करना था तो हम लोग यहाँ पे आए एंड अभी हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन सी प्लेस अच्छी रहेगी. मेरे पास सोनी का कैमरा है तो, और मैंने कैमरा के लिए पास ले लिए तो यहाँ पे आओगे तो ध्यान रखना कैमरा के लिए अलग पास सकता है. सो आओ फोटो शूट करो, मस्त प्लेस है तो जल्दी करो. सो वही. गाइस हम लोग आ चुके हैं एंड ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं फोटोशूट के लिए एंड दिस वन इज़ अ बेस्ट कैमरा सोनी 5BA फॉर एवरी शूट. सो आप इससे शूट कर सकते हो एंड इग्नोर मेरी वॉइस करना क्योंकि मेरा गला ख़राब है. सो वही. सो सिनेमैटिक शॉट्स भी होंगे, फ़ोटो के बारे में आपको, कैमरा के बारे में डिटेल्स भी बताऊँगा एंड सब कुछ बताऊंगा. क्लैरिटी को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि दोपहर का टाइम है एंड लाइट्स बहुत ज़्यादा है तो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी. एंड
बस अब ये लोग लेट ना करें रेडी होने में, क्योंकि अगर लाइट्स चली जाएगी तो कैमरास में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है, एंड ये टाइम बेस्ट होता है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। एंड आप गार्डन व्यू तो देख ही सकते हो जो बेस्ट है, एंड इज़ नियर बाय गोरेगांव, सो मोस्टली तो सबको पता ही होगा ये लोकेशन के बारे में। इट्स अ पिकनिक पॉइंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ छोटा कश्मीर, सो एवरी वन कैन कम एंड डू ओवर हियर फोटोशूट। बेस्ट फोटोशूट होगा, प्री वेडिंग शूट्स हो गए, पोर्टफोलियोज हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे शूट्स होते हैं जैसे बेबी शावर्स हो गए। तो मैं मोस्टली नियर बाई प्लेस यही प्रेफर करता हूँ सबको जब मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द फोटोशूट। सो गाइज फाइनली हमारी मॉडल तैयार है एंड उसका अभी फोटोशूट करने वाले हैं। तो मैं आपको टिप्स भी दूंगा, लाइट में ISO क्या रखना है, फोकल लेंथ क्या रखना है, एंड मेरे बाल को इग्नोर करना, वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत बड़े हो गए जिसकी वजह से वो इधर नहीं जाते ना ही उधर जाते। सो इग्नोर दैट एंड मैं आपको सब बताऊंगा टिप्स, जैसे कि बिगिनर फोटोग्राफर के लिए इजी हो जाता है। मैं मैन्युअली यूज़ करता हूँ लेकिन बिगिनर एक ऑटो फोकस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स इजी फॉर दिस एंड आपको पता चल जाएगा कैसे क्या लेना है बिकॉज ऑफ ये लाइट्स। लाइट्स इज अ मेन फॉर द बेसिक नॉलेज फॉर फोटोशूट इज अ मेन इज लाइट्स। अगर आपके पास लाइट्स है तो बेस्ट फोटोज आएगी, इफ आपके पास लाइट्स नहीं है तो फोटोज अच्छी नहीं आती है। सो गाइज यू आर ओके विथ लाइट्स, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली दिस इज द मॉडल फॉर टूडे, वी आर गोइंग टू शूट दिस पर्सन, सो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग का शूट हो गया एंड मैं बहुत सारे मतलब क्लिप्स ले चुका हूँ, मैं फ़ोटोज़ डाल पाऊँगा उसके, सिनेमैटिक शॉट्स एंड वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। जो मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लिए वो मैं डालूंगा, एंड फोटोग्राफी के बारे में मैंने कुछ टिप्स भी दिए तो उसको फॉलो करो। अगर आपको और टिप्स जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरा ID डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ एंड सो भाई तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। एंड अभी एक छोटा सा सरप्राइज है सबके लिए, मतलब फिलहाल के लिए हीना का बर्थडे, तो मैं मैगडी में जाके व्लॉग एंड करूँगा। मैंने सोचा था यहाँ पे करते बट हम लोग ने प्लान किया उसको सरप्राइज़ देंगे, सो इसलिए मैं वहाँ पे जाके व्लॉग एंड करूँगा। तो लेट्स सी देखते क्या करना है क्या नहीं। हम मैं पहले उतर जाऊँगा एंड केक वगैरह लेके चले जाऊँगा ऊपर, तो देखते चलते हैं मैगडी। इग्नोर द लाइट्स, मैंने फाइनली केक ले लिया है हिना के बर्थडे के लिए, एंड मैं सोच रहा हूँ मैं वहीं एंड करूँगा। तो देखते अगर क्लिक्स लेने मिले कैमरा से तो मैं बर्थडे के क्लिक्स भी लूँगा अच्छे से, सो लेट्स सी। देखते नगमा का मिस कॉल आएगा वैसे वो मुझे ऊपर बुला लेगी, तो एक छोटा सा सरप्राइज़ उसके लिए, आज सेलिब्रेशन कर रहे एक दिन पहले, सो लेट्स गो एंड चेक इन साइड। Surprise! नहीं जूनी शांगी ख्वाला नहीं आते तुझे
हुआ ब्लॉग किया, हिना का बर्थडे अच्छे से हो गया, उसको सरप्राइज़ अच्छा लगा एंड उसके फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगा क्योंकि हम लोग सेलिब्रेशन में थे इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा निकाला नहीं, सिर्फ नगमा ने थोड़ा वीडियो निकाला था तो वो बता देगी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, इसके आईडी को भी जाके फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है और हाँ यहाँ पे भी शो हो रही होगी, तो जल्दी जाओ एंड सब्सक्राइब करो।